आज़म खान ने अब्दुल्ला आज़म खान के दो पैन कार्ड जो बनवा रखे थे उसी मामले में ये लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान इन दिनों न्यायिक कस्टडी में लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में उपचार करा रहे हैं। सीतापुर जेल में बंद पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड से संबंधित मामले में रामपुर की MP MLA कोर्ट में जिरह जारी है, जिसमें भाजपा नेता एवं मुकदमावादी आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने अपने बयान दर्ज कराए। इस मामले पर जब हमने शिकायतकर्ता श्री आकाश सक्सेना उर्फ हनी से बात की तो उन्होंने बताया, जो आज़म खान ने अब्दुल्ला आज़म खान के दो पैन कार्ड जो बनवा रखे थे उसी मामले में ये बहस चल रही है, आज जारी रही, कल भी जारी रही। तो इससे पहले जो थी वो जन्म प्रमाण पत्र इसकी पूरी हो गई, प्रमाण पत्र को लेकर थी ये, अभी पैन कार्ड चल रहा है, पैन कार्ड अभी चलेगी, जारी चलेगी, हाँ कल भी चल रही। इस मामले पर जब हमने DGC रामपुर अरुण प्रकाश सक्सेना से बात की तो उन्होंने बताया, मोहम्मद आज़म खान और मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म क्राइम नंबर 980 सन 2019 में एक्यूज है, ये थाना सिविल लाइन्स से संबंधित मुकदमा है। इसमें वादी मुकदमा श्री आकाश सक्सेना जी का बयान प्रोसिक्यूशन की ओर से दर्ज कराया गया और न्यायालय की अनुमति से बचाव पक्ष ने उसमें जिरह शुरू की है। उन्होंने विस्तृत रूप से विभिन्न विषयों पर अपनी जिरह आज की और कोर्ट की अनुमति से ये कल के लिए डेफर्ड हो गई है, यानी कल दोबारा साक्षी से जिरह की जाएगी। इसके साथ ही एक मुकदमा क्राइम नंबर 4/19 थाना गंज का था, जिसमें दो जन प्रमाण पत्र का मामला था, उसमें वादी मुकदमा श्री आकाश सक्सेना जी का बयान पूरा कराया जा चुका है और ये दो पैन कार्ड से संबंधित मामला है, ये इस वक्त प्रचलित है। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।